हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक अफ़गानी स्टाइल में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे दो प्याज, थोड़ा सा धनिया 1 कप के बराबर, 4 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून के बराबर काजू, इसको हम ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी मैंने चिकन लिया है 1 किलो के बराबर, पूरे लेग पीस लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, बट प्रेफर करती हूँ लेग पीस लीजिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। या आप बोन वाला भी चिकन ले सकते हैं। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। इसको हम कट्स लगा लेंगे, डीप कट्स लगा लेना है, देखे इस तरह से, ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से अंदर जाए। अभी हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, जीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा हल्दी और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून के बराबर अच्छे से मैंने रोस्ट करके डाला है, और 1 कप दही डालेंगे, अच्छे से फेट कर लिया है, 120 ml के बराबर आ जाता है, और 1 कप क्रीम लिया है, आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम ऐड करेंगे जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे क्या होता है, फ्लेवर्स अच्छी तरह से अंदर तक जाते हैं, कट्स लगा लिया है ताकि फ्लेवरफुल हो जाए। तो अभी हम बीच में ऐड कर देंगे एक एल्युमिनियम फोल से बना हुआ कटोरी, या आप स्टील की कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें रख देंगे बर्निंग कॉइल, इसमें से 1/2 टीस्पून जितना घी या ऑयल डालेंगे, और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट पे रखेंगे। 15 से 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अभी इस एल्युमिनियम फोल को हटा लीजिए। अभी मैंने एक पैन लिया है, वो पैन में डालेंगे 2 कप के बराबर बटर, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 टीस्पून के बराबर ऑयल लिया है, इसको एक बार अच्छे से गरम कर लीजिए, और बटर पिघलने तक मीडियम फ्लेम पे करना है। देखिए अभी इसमें हम एक एक करके ऐड करेंगे चिकन लेग पीस। मैं यहाँ चिकन ऐड कर रही हूँ बस, मैरिनेशन नहीं, मैरिनेशन हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट पूरे होने के बाद हम फ्लिप करके फिर उधर पकाएंगे, ज़्यादा हिलाना नहीं है, एक साइड पकाना है, फिर फ्लिप करके दूसरे साइड पकाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे ही करते हुए हम सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम रिमूव कर लेंगे एक प्लेट में। ऐसा शैलो फ्राई करने से हमारा चिकन 25% पक जाता है। देखिए मैंने सारे चिकन को साइड में रख लिया है। अभी एक पैन में डालेंगे घी 1 टेबल स्पून के बराबर, और ऑयल 1 टीस्पून के बराबर। एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो हम ऐड कर देंगे बचा हुआ मैरिनेशन। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम फ्लेम पे गर्म करके इसको हम ऐड कर लेना है। क्रीम और दही डाले हैं तो फटने का चांसेस रहता है, तो हम धीमी आंच में पहले ऐड करेंगे, फिर हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं छिटकारे आ रहे हैं, तो इस स्टेज पे हम कवर करके हम कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए ऑयल सरफेस पे आ चुका है, इसका मतलब ग्रेवी तैयार है। तो अभी इस स्टेज में हम ऐड करेंगे चिकन। देखिए मैंने पूरे चिकन ऐड कर लिया है, और जो बचा हुआ ऑयल था वो भी पैन का, वो भी मैंने इसमें ही ऐड कर दिया है।
इसको एक बार हल्के से मिक्स करेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से चिकन को लग जाए, कोट हो जाए और इसके फ्लेवर्स अच्छी तरह से चिकन में चले जाए। देखिए अच्छे से एक बार मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब इसको हम ढक के कवर करके कुक करेंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब देख सकते हैं अच्छी तरह से चिकन कुक हो चुका है और ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार का बन के तैयार है। आप एक बार मिक्स कीजिए। अब देख सकते हैं इस प्रोसेस में मैंने कहीं भी थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बस वही ग्रेवी है। अगर आपको थोड़ा पानी का इस्तेमाल करना है तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पानी ऐड नहीं किया है, हमको ग्रेवी थिक पसंद है इसलिए। अभी लास्ट में हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून के बराबर। लास्ट में कसूरी मेथी डालने से इसका फ्लेवर अच्छी तरह से इन्हांस होके आता है। तो अब देख सकते हैं हमारा ग्रेवी तैयार है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।